गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम पढ़ा रहे थे मानव तंत्र, इसमें नेक्स्ट वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में बताया था। आज लेते हैं श्वसन एवं श्वसन तंत्र। तो यहाँ पर देखिए श्वसन क्या है। सजीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑक्सीजन का रक्त के साथ मिलकर कोशिकाओं तक पहुंचना, कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करना और उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। यानी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन फेफड़ों तक जाती है, फेफड़ों से रक्त के साथ मिलकर हमारे सभी कोशिकाओं में पहुँचे और कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करें और ऑक्सीकरण करने के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में मुक्त होगी उसका शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी? श्वसन कहलाएगी। तो यहाँ पर श्वसन की क्रिया एक विशेष प्रकार के तंत्र के माध्यम से होती है, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र को हमने दो भागों में बांटा, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में हम ये चार पार्टों का अध्ययन करेंगे और निचले में ये तीन। तो देखते हैं यह श्वसन तंत्र की बनावट क्या है। तो ये हम ऐसे एक समकोण त्रिभुज सा बनाएंगे, इसमें से यहाँ पर ये नाक बनाई और ये मुंह बना लिया, ये संरचना हो गई। तो नाक के अंदर क्या होते हैं? नासा छिद्र होते हैं यहाँ। तो नाक से अपन चित्र बनाएंगे ये श्वसन। तो ये आगे चल के क्या हो जाएगा? दो भागों में बढ़ जाएगा। ये श्वास नली है, ये श्वसनी में बढ़ जाती है, दो भाग बन गए इसके। फिर दो पार्ट के बाद ये कहाँ पहुँचेगी? फेफड़ों में। तो यहाँ फेफड़े बना लेते हैं, ये फेफड़ा हो गया दायां, ये तुम्हारा साहब बायां फेफड़ा, ये हो गया। तो यहाँ पर आप दाएं फेफड़े को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे लंबाई में। इसमें तीन प्रकोष्ठ होते हैं, इसके अंदर दो प्रकोष्ठ होते हैं। ये थोड़ा चौड़ाई में ज़रूर बड़ा होता है लेकिन लंबाई में कैसा होता है? ये छोटा होता है बाएँ से, ठीक है। ये तो यहाँ ये चित्र बनाया हमने और ये नीचे क्या है? डायफ्राम। ये डायफ्राम बना देंगे, मांसपेशियाँ हैं जैसे फैलने सिकुड़ने का काम करती हैं, इसको डायफ्राम। तो ये नासिका होगी तुम्हारी, नासिका। नाक के अंदर क्या होंगे? ये रोम होंगे, रोम पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये नीचे ये मुख वाला हिस्सा है, ये भी इसी में मिला रहता है, ये मुख है। तो मुख को भी सम्मिलित किया जाता है इसमें। ये तुम्हारी ग्रसनी हो गई है ना, यहीं पर घाटी ढक्कन है ये, एपिग्लोटिस। ये तुम्हारी हो गई श्वास नली, श्वास नली हो गई। और ये दो श्वसनी में बट गई, ये श्वसनी है और ये श्वसनी, इसमें जाकर अनेक छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बट जाती हैं। ये वायुकोष बना रहा हूँ, वायुकोष, एयर ब्लैडर, ऑल्वोलाई, ये कई नामों से जानते हैं इनको। तो ये प्रत्येक फेफड़ों में मिलियन की संख्या में होते हैं
अब ये यहाँ पर श्वसनी आगे चल के यहाँ पर क्या हो जाती है, अनेक श्वसनियों में विभक्त हो जाती है, ये बहुत सारी श्वसनियों में विभक्त हो जाएगी। प्रत्येक श्वसनी कहाँ जाके खुलती है, एक बायकोश में जाकर खुलती है, ये प्रत्येक बायकोश में जाएगी। तो इसमें कितने चैम्बर बताए अपन ने, 3 चैम्बर होते हैं। ये बायां फेफड़ा है और ये दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, ये इसमें 2 चैम्बर होते हैं, इसको भी आप ऐसी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो श्वसनी थी ये कई जगह क्या हो रही है, यहाँ से विभक्त हो रही है, बहुत सारी जगह में बढ़ जाएगी, अनेक छोटी छोटी में बढ़ जाएगी। तो आप इसको ऐसे बना, ये इसी में भी बायकोश होते हैं, पर एक में मैंने वैसे दिखा रखा है, एक में वैसा दिखा रखा। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र का मतलब इसके ऊपर वाला हिस्सा ये, तो इसमें नासिका है, नासिका 2 नासा छिद्र हों, ये नासा छिद्र हैं, इनके माध्यम से बाहर खुलती है, एक गुहा के रूप में होती है, इसमें बीच में एक पतली हड्डी होती है जो इसको 2 भागों में विभाजित रहती है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पक्षमाव होते हैं, सिलियाँ होते हैं, रोम, जो क्या करते हैं, वायु को फिल्टर करने का काम करते हैं, छानने का काम करते हैं, क्या करते हैं, वायु को छानते हैं। इसमें ये फिल्टर करने का काम करते हैं। अब तो ये नासिका हमारे प्राथमिक अंग के रूप में होती है। दूसरा इसमें मुख, मुख ये द्वितीय श्वसन अंग होता है। जब जुकाम वुकाम लग जाती है, नाक बंद हो जाती है, तो हम द्वितीय श्वसन अंग मुख का उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए। तो इसलिए ये भी मुख्य श्वसन अंग में आता है यहाँ पर। तो मुख के द्वारा भी हम सांस लेते हैं। फिर इसमें दूसरा पार्ट है ये ग्रसनी, ग्रसनी ये 3 भागों से मिलकर बनती है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, अधो ग्रसनी, 3 पार्ट में बटी रहती है। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, तीनों पार्ट, और ये ग्रसनी यहाँ पर मिलकर कंठ का निर्माण करती है। अब ये क्या है, यहाँ एक घाटी ढक्कन है, घाटी ढक्कन क्या करता है, ये श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है, घाटी ढक्कन, और ये श्वास नली और ग्रसनी को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये घाटी ढक्कन भी इसी में होता है, ग्रसनी में होता है, ये ग्रसनी का पार्ट। अब यहाँ पर आता है ये श्वास नली, श्वास नली एक लंबी बेलनाकार नली है, ये फ्लेक्सीबल, इसमें यहाँ पर सी आकार के रिंग होते हैं, छल्ले, क्या होते हैं, अर्ध वृत्ताकार, ये सी आकार के कैसे हैं, बैंड छल्ले हैं यहाँ पर सी आकार के, ये क्या है, श्वास नली को चिपकने से रोकते, इससे श्वास नली चिपके नहीं। आगे श्वास नली आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी फुफ्फुस में जाकर खुलती है, कहाँ कहाँ जाकर खुल रही है, फुफ्फुस में जाके खुलती है, और अनेक छोटी 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 नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएँ कहते हैं। ये छोटी छोटी नलिकाएँ क्या कह रही हैं, श्वसनिकाएँ कहलाती हैं। और प्रत्येक श्वसनिकाएँ जो है एक वायुकोश में, ये वायुकोश है, ये गुब्बारे गुब्बारे से दिखाई दे रहे हैं, तो यानी प्रत्येक श्वसनिका जाकर के एक वायुकोश में ऐसे खुल जाती है। तो ये क्या है, वायुकोश हैं, वायुकोश, ऑल बलाई एयर ब्लड वायुकोश में, और ये श्वसनिका एक एक जाके इसमें खुल जाती है। तो इसमें ये बायां और दायां 2 फेफड़े होते हैं, बायां फेफड़ा आकार में कुछ छोटा होता है, दायां फेफड़ा आकार में कुछ बड़ा होता है। बाएं फेफड़े को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 पार्ट हैं इसके, दाहिने को 3 भागों में विभक्त होता है, इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा होती है लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, यहाँ ध्यान। अब यहाँ पर दोनों पसलियों को जोड़े हुए ये मांसपेशियाँ होती हैं,
का एक पट्ट है, बहुत सारी मांसपेशियां हैं, इसको डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। क्या कहते हैं इसको? डायाफ्राम कहते हैं, मांसपेशियों का पट, डायाफ्राम। डायाफ्राम पाया जाता है। ये क्या करता है? पसलियों को ऊपर नीचे करता है, जिससे फेफड़ों का आयतन घट बढ़ता है। तो यहाँ पर ये क्या था? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में ऊपरी श्वसन तंत्र इस भाग को कह रहे हैं, और निचला श्वसन तंत्र इसको कह रहे हैं, जिसमें श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिकाएँ और ये क्या हैं, फेफड़े शामिल हैं, और ऊपरी उसको कह रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं श्वसन की क्रिया विधि कैसे होती है, श्वास हम लेते कैसे हैं, छोड़ते कैसे हैं। तो देखो हम ये बता रहे हैं कि डायफ्राम ये सिरे पसलियों से जुड़े होते हैं। तो जब डायफ्राम क्या होता है, संकुचित होता है, सिकुड़ता है, ये डायफ्राम यानी पेट अंदर जाता है तो पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं। जब डायफ्राम सिकुड़ता है, मतलब ये सिकुड़ेगा, देखो ये सिकुड़ रहा है, तो पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं, जिससे फेफड़ों के अंदर ये फेफड़ों का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और फेफड़ों के अंदर जो भरी वायु है उसका दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब डायफ्राम सिकुड़ेगा यानी पेट अंदर गया, तो पसलियाँ ऊपर की ओर गति कर रही हैं, जिससे फेफड़ों में से दबाव हटा तो इसका आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ने से यहाँ पर जो वायु थी, वायु को समय उसका दाब कम हो गया, किससे? बाहरी वायुमंडलीय दाब से। यहाँ दाब वायुमंडलीय दाब कैसा है? यहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो है वो ज़्यादा हो गया, और यहाँ कैसा हो गया? कम दाब हो गया। कम दाब हो गया तो बाहर की वायु अंदर प्रवेश कर जाती है, फेफड़ों में आकर भर जाती है। अब यहाँ फेफड़ों में आकर भर गई, फेफड़ों में यहाँ वायु भर गई, वायु में सभी कैसे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। अब यहाँ वायु कोशों में क्या है, रक्त केशिकाओं का जाल बिछा हुआ है, रक्त केशिकाएँ, तो ये ऑक्सीजन वायु कोशों से रक्त में मिश्रित होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यानी रक्त केशिकाओं में आ गई, रक्त केशिकाओं में यानी रक्त में आ गई, रक्त केशिकाओं में आई, और ये कहाँ गई? रक्त के साथ मिलकर प्रत्येक कोशिका में गई, शरीर की अंदर कोशिका में जाएगी, कोशिकाओं में चली जाएगी। कोशिका में क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज है, इससे ये ऑक्सीजन क्या करती है, क्रिया करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल और यहाँ 38 ATP वायवीय श्वसन के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसमें 6 अणु बनेंगे, ये 6 अणु ये लेते हैं, तो यहाँ पर ये भोजन का ऑक्सीकरण हुआ, ये ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो जल तो कोशिकीय कार्यों में प्रयुक्त हो जाता है, और ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में रह जाएगी, ठीक है, स्टोर हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ मिलकर, कोशिका से रक्त के साथ मिलकर कहाँ आएगी, वायु कोशों में आएगी। कब आएगी? जब डायफ्राम फैलता है, जब डायफ्राम ये फैलेगा, ये पेट का हिस्सा ऊपर की आएगा तो पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं, यानी पेट ऊपर आएगा, ये डायफ्राम फैलता है, ऊपर आ रहा है तो पसलियाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर गति करें, जिससे फेफड़ों पर क्या है, दबाव बढ़ जाएगा, यानी फेफड़ों के अंदर दाब बढ़ जाएगा वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा हो जाएगा। तो फेफड़ों के अंदर क्या भरी थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड आके भर गई थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से नासा छिद्रों के माध्यम से क्या है, शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी, CO2 क्या है, बाहर आ गई, और जब कम था तो ऑक्सीजन अंदर गई थी। अब इसमें वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों के अंदर दाब ज़्यादा हो गया, क्योंकि पसलियाँ नीचे की ओर गति करी तो यहाँ दाब बढ़ गया, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो श्वास नली के माध्यम से क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो इस प्रकार ये श्वसन की क्रिया विधि चलती है। पूछ लिया जाए
मानव में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, या CO2 और O2 का एक्सचेंज किस प्रकार होता है विनिमय, तो भी यही लिखना है। तो यहीं से लिखेंगे, जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं, जिसके फेफड़ों के अंदर का दाब कम हो जाता है, या हम कहें आयतन बढ़ रहा है यहाँ तो दाब कम हो रहा है, दाब वायुमंडल दाब से कम होता है, जिससे बाहर की वायु अंदर आकर भर जाती है। अब इस वायु में से ऑक्सीजन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यानी रक्त में विसरित हो जाती है, रक्त के साथ कहाँ पहुँचती है, कोशिकाओं तक पहुँचती है, कोशिकाओं में ग्लूकोज से क्रिया करके भोजन का ऑक्सीकरण करती है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पुनः रक्त प्लाज्मा के साथ मिलकर घुलकर या रक्त प्लाज्मा के साथ कहाँ वायुकोशों में ला कर छोड़ दी जाती है। लेकिन जब डायफ्राम क्या होता है, फैलता है, तो पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं, जब नीचे की ओर गति करती हैं तो फुफ्फुस का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, यहाँ पर वायुदाब अधिक हो जाएगा, जिससे